दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में राजस्थान के दो शहरों को सम्मिलित किया गया है। पहला शहर है जयपुर और दूसरा शहर है उदयपुर। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उदयपुर की जनता का क्या कहना है इस बारे में। कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मन मोह लेने वाले नजारे, तो कहीं इमारतों से झलकता राजसी वैभव, यही पहचान है झीलों की नगरी उदयपुर की। देश और दुनिया के अलग अलग भागों से सैलानी यहाँ आते हैं। वजह यहाँ की खूबसूरती और शांति। सरकार इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में शामिल है उदयपुर शहर। जब हमारे रिपोर्टर ने स्मार्ट प्रोजेक्ट को लेकर उदयपुर के लोगों से बात की, तो दो अलग अलग मत सामने आए। एक तरफ जहां उदयपुर का यूथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से खुश है, चाहता है कि शहर की तस्वीर बदले, तो वहीं शहर के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से कोई लाभ नहीं होने वाला है। उदयपुर के युवाओं का कहना है कि वो सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उदयपुर शहर को विकसित करने के प्रयास किए और शहर के विकास को गति दिलाने के लिए वो कदम से कदम मिलाकर काम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे मेवाड़ का उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना, 100 स्मार्ट सिटी के रूप में उनमें से एक उदयपुर को चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज का युवा इस उदयपुर के आसपास पूरा ट्राइबल एरिया है, यहाँ का युवा को रोजगार मिले अधिक से अधिक, उसके अंदर जो एजुकेशन मेडिकल हब बन चुका है उदयपुर, और शिक्षा के अंदर बढ़ोतरी हो, उसके लिए एजुकेशन के रिलेटेड और कई सारे संस्थान खुल जाए और उदयपुर के आसपास के ट्राइबल एरिया लोगों को उसका मौका मिले। यूथ इस प्रकार से अपनी भागीदारी निभा सकता है कि नीट उदयपुर क्लीन रखे, साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखे। यूथ को जैसे घूमने जाते हैं कहीं पे भी पिकनिक प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे अन्यथा कोई भी ऐसा डस्ट नहीं करे, ताकि क्लीन रहे हम अपने पिकनिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस सारे। स्मार्ट सिटी का नाम उदयपुर का ऑल ओवर इंडिया में नाम आने से हमें तो खुशी है, युवाओं में उत्साह भी है और यहाँ पे हरियाली, पेड़ पौधों का भी और इस तरह होना चाहिए स्मार्ट सिटी में। शहर के सीनियर सिटीजन्स ने शहर को विकास करते हुए देखा है, छोटे छोटे घरों से बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील होते देखा है। उनका मानना है कि उदयपुर शहर हमेशा से ही बेहद खूबसूरत है। जैसे जैसे शहर विकास कर रहा है, वैसे वैसे शहर को प्रदूषण और कचरे की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर शहर के लिए ये योजना कुछ काम नहीं कर पाएगी। जब हम छोटे थे बचपन में और जब तक हम 10वीं क्लास पढ़ते थे, उससे सिटी स्मार्ट सिटी से बहुत बढ़िया सिटी थी। विदेशी लोग उदयपुर शहर को इसलिए देखने आते थे कि इतना खूबसूरत शहर कैसे बना हुआ है, किस किस राजा महाराजा ने इसको बसाया, इसकी बसावट बहुत अच्छी थी, न तो झील में पानी गिरता था, न यहाँ सीवरेज नहीं होते हुए भी कभी कोई गंदगी नहीं थी शहर में। जब से ये सीवरेज बनी है, जब से हर बार जो नगर निगम का बोर्ड बनता है और हमारे चेयरमैन सभापति वगैरह विदेश जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आते हैं और शहर को गंदा करते हैं। उदयपुर में मैं आज से 50 साल पूर्व आया था, उसमें शहर की स्थिति बहुत बढ़िया, साफ सुथरा शहर था, आराम से हम स्कूलों में पढ़ने जाते थे, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती थी, सड़कें साफ सुथरी मिलती थी, उसका वातावरण बहुत अच्छा था। जितना स्मार्ट सिटी बनने की कोशिश हो रही है, उतना ही उदयपुर में ज़्यादातर प्रदूषण फैला जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, सब तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इसमें खुद शहर के लोग, काफ़ी लोग 75% लोग शहर से स्मार्ट सिटी के नाम से नाराज है। सबसे बड़ा दबाव भूमाफियों का है, राजनीतिक संरक्षण है। दूसरा, अगर खूबसूरती को लेकर हम देखेंगे तो उदयपुर में दो समस्या बहुत ज़्यादा है। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि अगर आपको चेतक से सूरजपोल जाना पड़े तो कम से कम बाइक पे दो आधा घंटा लगता है। सबसे पहले इनको ट्रैफिक व्यवस्था सुधारनी चाहिए प्रशासन को। सेकंड जो है सीवरेज की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, उसको लेके प्रशासन को पूरी तरह मुस्ते देना चाहिए। चाहे उदयपुर की युवा पीढ़ी और तजुर्बेदार लोगों की सोच में थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों की चाह स्वच्छ, सुंदर और विकसित उदयपुर देखने की है। यदि हम विकसित और स्मार्ट सिटी चाहते हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और सरकार के साथ मिलकर प्रयास करने होंगे।
नित नई योजनाएं लाई जा रही हैं। सरकार शहर की तस्वीर बदलने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, बस हमें हमारे स्तर पर प्रयास करने बाकी हैं, जिससे परिवर्तन आ सके। जो शहर में सिटी बसों की संख्या को बढ़ाएगा और अच्छी तरह से बने सुंदर, अब आपको सुंदर रखने का काम तो आपको भी करना है। उसके अंदर आई लव सो एंड सो लिखने की जरूरत नहीं है। आई लव पहले आपको हो तो आप अपने उसमें बदलो, वहां लिखने की जरूरत ही नहीं है उस दीवार के ऊपर। उसके ऊपर खरोंच मारने की जरूरत भी नहीं है, मेहरबानी करके उसको साफ रखिए। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें नहीं जानकारी लेनी है, आप मेहरबानी करके कीप द बस क्लीन। प्रदेश की मुखिया आपसे जो कह रही हैं, उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जयपुर वासियों को स्मार्ट सिटी की सौगात दी है, लेकिन अब जिम्मेदारी निभाने की बारी हमारी है। शहर स्मार्ट बन रहा है तो यहाँ के सिटीजन्स को भी स्मार्ट बनना होगा। ट्रैफिक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, शहर का हर व्यक्ति इससे परेशान है, लेकिन हम अपनी सुख सुविधाओं का त्याग नहीं करना चाहते हैं। लंदन के अंदर उन्होंने कहा हमारे लंदन आज टूरिज्म शहर है, उसको सुंदर और अच्छा रखने के लिए नो ट्रैफिक और कम से कम ट्रैफिक इनसाइड द सिटी, मीनिंग अगर आपके दो गाड़ियां हैं तो आप एक गाड़ी से काम चला लीजिए। एक बच्चे जाएंगे एक गाड़ी में, बीवी जाएगी एक गाड़ी में, आप जाओगे ऑफिस एक गाड़ी में, नो आप एक गाड़ी में ये सब मामला करा लीजिए तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि आपके घर की तीन गाड़ी में से दो एक ही गाड़ी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना को कोई एक व्यक्ति साकार नहीं कर सकता है। क्या डर सिर्फ जुर्माने का होना चाहिए? क्या यहाँ के नागरिकों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वयं नहीं समझनी चाहिए? मेहरबानी करके प्लीज, मैं देखती हूँ कि अगर दिन में सुबह आप चले जाओ रामनिवास बाग, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए और आप देख लोगे कि बिल्कुल चकाचक साफ। शाम को आप चले जाओ 6 बजे और आप देखो कितनी गंदी हालत में जो आदमी आया है, वो उसने अपना जो खाया है, जो कागज फाड़ा है, सब वहीं डाल के चले गए। क्यों करते हो? वहां वेस्ट पेपर बास्केट लगे हुए हैं, मेहरबानी करके उस वेस्ट पेपर बास्केट के अंदर वो गंदगी, वो कागज अपन डाल देना, क्योंकि ये अपना बगीचा है। अपना बगीचा अगर सुंदर लगे तो कितना मजा है। लोग बाहर के आएंगे तो कहेंगे वाह क्या है जयपुर की बात। एक नींव को बड़ी मेहनत के बाद एक ऊंची इमारत का स्वरूप दिया जाता है। एक मजदूर अपनी जी जान लगाकर आलीशान और सुंदर इमारतें बनाता है और इन्हीं इमारतों से मिलकर बनता है एक खूबसूरत शहर। वो शहर जहाँ चौड़े चौड़े रास्ते देखने को मिलते हैं, बहुमंजिला इमारतें विकास की कहानी कहती है, लेकिन ये एक दिन और अकेले इंसान की मेहनत का परिणाम नहीं है। ये तस्वीर बदली है, अनेकों अनेक लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। जिस तरह शहर का विकास हुआ है, उसी तरह अब हमें भी अपने शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना होगा, और इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हमें भी प्रयास करने होंगे और पहल करनी होगी हमें अपने आप से, क्योंकि एक स्मार्ट सिटीजन ही एक स्मार्ट सिटी की नींव रख सकता है। ये अभिनंदन जयपुर के लोगों को दो, उदयपुर के लोगों को दो, वे इस स्पर्धा में विजयी हुए हैं। उन्होंने इन पैरामीटर को पूरा करने के लिए ताकत दिखाई है, कठिनाइयां झेली हैं, समय सीमा में काम पूरा करने के लिए दौड़े हैं। उन सबका सामूहिक प्रयास है कि हर एक के मन में एक इच्छा जगी है कि इस बार हिंदुस्तान में हमारा शहर भी नंबर एक होना चाहिए। शहर को स्मार्ट बना के रहना होगा, ये जन भागीदारी से होगा, जन संकल्प से होगा। स्मार्ट सिटीजन वो नहीं जो सूट पूट पहनकर घर से निकलता है, बल्कि वो है जिसकी सोच समाज में बदलाव लाने की हो, वो जिसे अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से पता हो, और वो जो अपने कर्तव्यों से मुंह ना मोड़े, बल्कि देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करे, इसे अपना घर समझे। स्मार्ट मीन्स नॉट इन हाइट वेट कोट सूट बूट हैट, स्मार्ट इन मेकिंग द पीपल्स लाइफ कंफर्टेबल, स्मार्ट इन मेकिंग द सिटी लिवेबल। That is the idea, that is the concept given by the Honorable Prime Minister. गुलाबी नगरी की पहचान है यहाँ का गौरवमयी इतिहास। सारी दुनिया में पिंक सिटी टूरिज्म के लिए जानी जाती है। हमें अपने विकास को गति तो देनी है, लेकिन अपनी प्राचीन धरोहरों के साथ।
हमें हमारी राजसी शान की कहानी कहती इन इमारतों को सहेजते हुए स्मार्ट सिटी की ओर पहल करनी होगी। हमें स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटीजन बनना होगा। स्मार्ट सिटीजन जो रूल्स को फॉलो कर रहा है, हर चीज को रूल्स के हिसाब से चल रहा है, वो स्मार्ट सिटीजन होते हैं। जो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, जो आगे देख रहे हैं कि हाँ हमें लंदन के जैसे करना है, तो वैसे हमको क्या करना चाहिए खुद के लिए। दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, हाँ गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, गवर्नमेंट वैसे कर रही है, कभी खुद की तरफ से स्टेप नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल मोदी जी ने बोला है कि क्लीन सिटी होनी चाहिए, पर सब बोल देंगे, पर कोई भी डस्टबिन की तरफ नहीं जाएगा कि हाँ हमें भी जाना है, वैसे कोई कुछ भी नहीं करेगा। स्मार्ट सिटी की ये पहचान है कि एक तो ट्रैफिक कंट्रोल हो, पॉल्यूशन कम हो, सबसे मेन तो ये ग्रीनरी हो उसके अकॉर्डिंग, और जो है जैसे ये रेजिडेंशियल एरिया हैं उनकी साइड पे जैसे ये फैक्ट्रीज और ये सब हैं, ये नहीं होने चाहिए। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, बट लोग एजुकेटेड भी होने चाहिए। सिर्फ एजुकेशन लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट। एजुकेटेड मींस जो आप एजुकेशन ले रहे हो उसको कम से कम अपनी लाइफ में तो फॉलो करो। लोग मैनर सीख तो लेते हैं, मॉरल साइंस पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में उसको यूज़ नहीं करते हैं। हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, बुक में तो पढ़ लिया, लेकिन रियल लाइफ में उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर ट्रैफिक में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो 10 लोग उसको देखेंगे, लेकिन देख के आगे बढ़ जाएंगे, हेल्प कोई नहीं करेगा। स्मार्ट सिटी बन जाएगी क्योंकि हम सब लोग जब खुद एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे तभी सिटी स्मार्ट बनती है। एक अकेले आदमी की कोशिश करने से कुछ नहीं होता, जब सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तभी सिटी स्मार्ट बनेगी। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि देश बदलेगा, शहर बदलेगा, हम भी विश्व के खूबसूरत और विकसित शहरों की सूची में शुमार होंगे। सरकार ने अपनी पहल शुरू कर दी है, अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटीजन का कॉम्बिनेशन बना सकता है एक डेवलप्ड नेशन। तो अपनी जिम्मेदारी समझें और स्मार्ट सिटीजन बनें। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।